कन्या उत्थान स्नातक योजना यानी 50,000 छात्रवृत्ति के लेकर जो है सबके मन में बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट हैं जिनका रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं हुआ है, जिनका रिजेक्ट हो गया है, वो अप्लाई कर नहीं पा रहे हैं, लेकिन सबके मन में यह एक कंफ्यूजन है कि लास्ट डेट बढ़ेगा या नहीं बढ़ेगा। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यह वीडियो आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि दोस्तों लास्ट डेट जो है 15 मार्च तक रखा गया था, उसको बढ़ाकर जो है बढ़ा दिया गया है। तो क्या है लास्ट डेट वो मैं आज आपको दिखाने वाला हूँ और साथ में बताने वाला, वो भी लाइव दिखाने वाला हूँ। तो वीडियो को शुरुआत करने से एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप मेरे इस चैनल के बिट्टू पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। तो चलिए हमें बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों ये वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होने वाला है, तो बस अभी मैं थोड़ा ही देर में आपको ये वीडियो में आपको दिखाने वाला हूँ। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, आपको मेधासॉफ्ट की ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं। यहाँ जो वेबसाइट है इसमें आपको चार लिंक दिए हैं, चार लिंक में से यहाँ पे चौथे नंबर में आपको 2200 यहाँ दिया गया है मुख्यमंत्री बालिका स्नातक प्रसार, सिंपली आपको इस पर क्लिक करते हैं तो हमारा जो है ये वेबसाइट जो है ओपन होगा। ओरिजिनल वेबसाइट जो है स्नातक का वेबसाइट है। तो यहाँ आप देखिए इम्पोर्टेंट नोटिस में यहाँ पे आपको 3 नंबर में आपको यहाँ पे मैं हाईलाइट करके दिखा रहा हूँ, लास्ट डेट फॉर अप्लाइंग इन द पोर्टल हैज बीन एक्सटेंडेड टू 31 मार्च 2023। दोस्तों यहाँ जो बता दिया गया है कि आपका लास्ट डेट जो अप्लाई का है वह 31 मार्च तक कर दिया गया है। तो दोस्तों बहुत बड़ी खुशखबरी है कि अगर आपने के मन में भी डर था, अगर कोई भी कंफ्यूजन था कि 15 मार्च के बाद हमारा अप्लाई हो पाएगा या नहीं हो पाएगा, तो यह बहुत बड़ी खुशखबरी है। अब जो है यह 15 मार्च से बढ़ाकर 31 मार्च तक जो है इसको कर दिया गया है। तो अगर आपका रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ है तो जल्द से जल्द रजिस्ट्रेशन कर ले, अगर किसी भी कारण से आपका रिजेक्ट हो गया है तो आप ट्राई करते रहे, आपका रजिस्ट्रेशन हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है, कोई टेंशन नहीं। और भी ज़्यादा कोई प्रॉब्लम होती है तो डायरेक्टली आप मुझे डिस्क्रिप्शन पे दिए गए नंबर पे आप कॉल करके आप संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए इन्फॉर्मेशन के साथ।